सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में हम लोग पहला पार्ट देख चुके हैं कि उसमें होता क्या है सॉलिड एंड देयर टाइप्स। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, शुरू किए हैं लैटिस स्ट्रक्चर यूनिट सेल, और यूनिट सेल में देख रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो संख्या होती है वो चूंकि लैटिस स्ट्रक्चर से कट करके निकालते हैं, तो प्रेजेंट की संख्या केवल गिनने से नहीं उसके एक्चुअल कैलकुलेशन से आता है। क्या आता है हम लोग देखे हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल में, इन प्रिमिटिव यूनिट सेल में देखे हैं वो क्या आया है 1, इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कितना आया है 2, और इन फेस सेंटर यूनिट सेल हम लोग देख रहे हैं अब कि फेस सेंटर यूनिट सेल में कितना होगा। तो यूनिट सेल में फेसेस होते हैं कितना 6, 1, 2, 3, 4, 5, और ये आप ऊपर वाला 6, तो टोटल 6 फेसेस हो गए। और पार्टिकल्स फेस सेंटर यूनिट सेल किसको बोलेंगे, तो फेस सेंटर यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है सभी कॉर्नर्स पर, सभी कॉर्नर्स पर, और अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर्स सभी फेसेस पर प्रेजेंट होते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल और बॉडी सेंटर कैलकुलेशन हम लोग देखे हैं कि कॉर्नर्स पर 1/8 पार्ट्स ही केवल कंट्रीब्यूट करेगा यूनिट सेल में, जबकि फेस सेंटर पर क्या होगा, फेस पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा तो 2 यूनिट सेल एक फेस पर शेयर होगा, इसीलिए फेस पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा उसका केवल 1/2 50% मतलब आधा भाग ही इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो फेस पर 1/2 होगा, हाफ होगा, कॉर्नर्स पर 1/8 होगा। तो एट द कॉर्नर्स कंसेंस पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन पर नंबर ऑफ एटम्स 1/8 होगा, और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितना है 8 है, तो 8 × 1/8 = 1, तो टोटल कॉर्नर्स के लिए जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो सब कितना हो जाएगा 1 पार्टिकल्स, जैसे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में देखे थे। अब एटम्स एट द फेस कितना होगा 1/2, हाफ, केवल हाफ कंट्रीब्यूशन होगा, और टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितना है 6, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट ऑल फेसेस कितना होगा 6 × 1/2 = 3 पार्टिकल्स, और 3 पार्टिकल्स हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कितना होगा, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगा 1 + 3 = 4, 1 एट द ऑल कॉर्नर्स एंड 3 एट द ऑल फेसेस। सो नंबर ऑफ टोटल एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज व्हाट 4, राइट, इट हैज बीन ऑक्यूपाइड एट द ऑल कॉर्नर्स ऑल द फेसेस, और फेस सेंटर यूनिट सेल्स विल बी ऑब्टेंड फ्रॉम द कटिंग ऑफ द हेक्सागोनल 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग एबीसी टाइप पैकिंग, फेस सेंटर यूनिट सेल उससे प्राप्त होगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की संख्या कितनी होगी 4। अब एनसीईआरटी के डायग्राम से देखते हैं, ये ओपन लैटिस है जिसमें ओपन लैटिस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कहां पर, सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, सभी कॉर्नर्स के अलावा कहां प्रेजेंट है, सभी फेसेस पर प्रेजेंट है, सभी फेसेस पर प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, और ये सामने वाला पर एक प्रेजेंट 6, तो टोटल 6 फेसेस है और 8 कॉर्नर्स है। अब इस चीज को, ये ओपन लैटिस स्ट्रक्चर है जो अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर है, बट एक्चुअली ये ऑब्टेंड होगा कैसे, इस क्लोज पैकिंग से, जिसमें देखिएगा सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कॉर्नर्स के अलावा कहाँ, फेस पर भी प्रेजेंट है, तो ये स्पेस फिलिंग मॉडल है जिसमें फेस पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इसको हम कट करके यूनिट सेल बनाएंगे इस लैटिस स्ट्रक्चर से, तो इसमें से हम लोग फेस पर हाफ मिलेगा और कॉर्नर्स पर 1/8 मिलेगा, तो 6 फेस के लिए 1/2 × 3 पार्टिकल्स, और कॉर्नर्स पे 1/8 × 8 1 पार्टिकल, 3, 1 + 4, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ओके, टेक केयर, थैंक यू। अब इस पर एक क्वेश्चन आपका बनता है, एक दो क्वेश्चन का आंसर आप सुन, क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में कीजिए कि फेस पर कितना पार्ट्स कंट्रीब्यूट होगा। नंबर 1 क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द फेसेस विल बी कंट्रीब्यूटेड टू द यूनिट सेल। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी कंट्रीब्यूटेड टू द यूनिट सेल प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंट्रीब्यूटेड टू द यूनिट सेल प्रेजेंट इन द बॉडी। ये 3 क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, और साथ में 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए कि प्रिमिटिव यूनिट सेल किस प्रकार की क्लोज पैकिंग से प्राप्त होता है, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग किस प्रकार से प्राप्त होता है, और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल किस प्रकार की क्लोज पैकिंग से प्राप्त होता है। एक और चीज आप लोगों को क्वेश्चन करने की कोशिश करना चाहिए कि इंड सेंटर्ड फेस सेंटर्ड जैसा ही होगा, इसमें नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टोटल कितना प्रेजेंट होगा इन अ यूनिट सेल, ये आप कैलकुलेट करके कोशिश करके दिखाइए कमेंट में। थैंक यू, टेक केयर।